राष्ट्रीय परिवर्तन दिवस 26 जनवरी को देखते हुए रेलवे स्टेशन की सुरक्षा व किसी विपरीत परिस्थितियों से निपटने के लिए गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर BDDS बॉम्ब डिटेक्शन डिस्पोजल स्क्वाड की टीम ने GRP व रेलवे पुलिस फोर्स की मदद से स्टेशन पर बैग में बॉम्ब मिलने को लेकर मॉक ड्रिल किया। मॉक ड्रिल के दौरान एक बैग में कपड़े, मोबाइल, श्रृंगार के सामान मिले। इसी बैग में एक बॉम्ब भी मिला, जिसको बॉम्ब डिटेक्शन डिस्पोजल स्क्वाड की टीम ने बड़ी ही सावधानी के साथ बॉम्ब को डीएक्टिवेट किया। कुछ देर तक गोरखपुर रेलवे स्टेशन के यात्री कुछ समझ ही नहीं पा रहे थे कि यह क्या हो रहा है, लेकिन बाद में धीरे धीरे सभी लोगों को जानकारी हो गई कि अब बैग में बॉम्ब मिलने को लेकर मॉक ड्रिल का अभ्यास किया जा रहा है। गौरतलब है कि गणतंत्र दिवस पर सुरक्षा शांति व्यवस्था बहाल रखने के लिए GRP व RPF ने अपनी सुरक्षा व्यवस्था नापने के लिए मॉक ड्रिल किया। मॉक ड्रिल में लाउड स्पीकर से अनाउंस किया गया कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 से गेट नंबर 7 पर बैग में बम होने की संभावना है। सूचना प्रसारित होते ही पुलिस, सिविल पुलिस, फायर ब्रिगेड, बम निरोधक दस्ता हरकत में आ गया और मौके पर पहुंचकर तत्काल कार्रवाई की। इस क्रम में CO कैंट के नेतृत्व में रेलवे स्टेशन पर डॉग स्क्वाड के साथ चेकिंग की गई। चेकिंग के दौरान कोई भी संदिग्ध वस्तु या व्यक्ति नहीं मिले। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए CO कैंट सुमित शुक्ला ने कहा, जनवरी के मद्देनजर रेलवे स्टेशन पर डॉग स्क्वाड और LIU टीम है, बाकी और सब थाना कैंट के सहयोग से आज चेकिंग की जा रही है। यहाँ पर संदिग्ध व्यक्ति और संदिग्ध वस्तुओं की लगातार चेकिंग चल रही है और ये कार्यक्रम लगातार 26 जनवरी के मद्देनजर जारी रहे। अभी तक तो ऐसी चीज़ नहीं मिली है, बाहर जो है गाड़ियाँ भी चेक की गई हैं, लेकिन अभी तक तो ऐसी कोई चीज़ प्रकाश में नहीं आई है।